बने रहो मेरे साथ, सामान पकड़ लो अपना अपना। बंगला वॉकिंग स्ट्रीट तो देख लिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पटांग बीच के किनारे। शायद यहाँ पे घपा घप वाली कन्या वगैरह होती होंगी, वो दिख गई तो मज़ा आ जाए। हाय सुरेश मॉस्को, ये ब्लॉगर 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 ब्लॉगर, आई एम फ्रॉम इंडिया इंडिया। ओके थैंक यू सुरेश। ये थाईलैंड की लोकल लग रही है। हाय शरीर में वातावरण अच्छा बनाए रखने के लिए हम ये नारियल पानी 50 भत का इन्वेस्टमेंट करके नारियल पानी का Okay, let's go. वेलकम भाई, अगर खाना खाना है तो आ जाओ। रेस्टोरेंट का क्या नाम है? सॉल्ट एंड पेपर अल बादशाह। सॉल्ट एंड पेपर भैया, इंडियन फूड बढ़िया खाना। सॉल्ट एंड पेपर इंडियन फूड और खाना पीना खाना हो देख पा रहे हैं भाई की रेस्टोरेंट में। सब लोग खाना खा के बताना। और वेज मिलेगा, दाल तड़का दाल मखनी मिलेगा, वेज दाल तड़का दाल मखनी सब कुछ मिलेगा, गपा गप भी मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं। हम तुमको यहाँ से ले जाके बीच पे पेलेंगे, you know where, तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे आगे भी देंगे, तुम्हारे आगे भी देंगे।
कभी तुम्हारे पीछे भी देंगे, तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे मुंह में दे देंगे। आम गलत मत सोचा करो यार, आम फुकेत का बंगला स्टिकर यहाँ पे वही देखो, ये बाइक कितने चलती है, वही पटाया में जैसे रेड कलर की, यहाँ पे ब्लू कलर है और सामानें दिखने वाली हैं, माले एक से एक मसाज सेंटर कराया था, यहीं से मसाज कराया था, शायद वो बंद हो गया। और ये देख रही हैं ये क्या चल रही, कौन सी सब्जी खाते खाली हुए बहुत, ये मसाज है यही से ही मैंने उनको वहीं बीच पे ले जाके ठोकेंगे। रात भर खुली रहती है ये फुकेत का बंगला वॉकिंग स्ट्रीट। हाँ बुला लो भैया, हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो। प्रोजेक्टर लगा है भैया, प्रोजेक्टर ये देखिए, दिखाते हैं।
Hi guys. Welcome bhai, agar khana khana hai to aa jao restaurant ka kya naam hai? Salt and pepper al basha. Salt and pepper liya. Indian food badhiya khana. Salt and pepper Indian food aur khana peena khana ho dekh par yahan pe aana bhai ki restaurant mein. सब लोग खाना खा के बताना वेज मिलेगा दाल तड़का दाल मखनी मिलेगा वेज दाल तड़का दाल मखनी सब कुछ मिलेगा पापा कब भी मिलेगा थैंक यू मिलते हैं ब्रेक के बाद पापा हम तुमको हम इसको उठा के ले जाके यहीं पे पेंगे हम तुमको यहाँ से जाके बीच पे पेलेंगे you know where, तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे आगे भी देंगे तुम्हारे आगे भी देंगे सभी तुम्हारे पीछे भी देंगे तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे मुंह में दे देंगे आम गलत मत सोचा करो यार आम तुम तो यहाँ से कहीं ले जाके पेलेंगे तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे पीछे भी देंगे आगे से लेंगे कभी तुम्हारे पीछे से लेंगे तुम चाहे चिल्लाओ जितना तुम्हारे पीछे मिलेंगे गया हूँ मालिक ये बंगला स्ट्रीट है ये देख लो फुकेत का बंगला स्ट्रीट है यहाँ पे वही देखो ये बाइक कितने चलती है वही पटाया में जैसे रेड कलर की यहाँ पे ब्लू कलर है और सामानें दिखने वाली हैं माले एक से एक मसाज सेंटर कराया था यहीं से मसाज कराया था शायद वो बंद हो गया और ये देख रही है ये क्या चाहिए कौन सी सब्जी खाकर खाली हुए बहुत ये मसाज है यहीं से ही मैंने मसाज कराया था बंगल बंगल हम तुमको कहीं पे तुमको वहीं बीच पे ले जाके ठोकेंगे रात भर खुली रहती है ये फुकेत का बंगला वॉकिंग स्ट्रीट बुला लो प्रोजेक्टर लगाया भैया प्रोजेक्टर
बताओ के नाम पे इन लोगों ने आतंक मचा रखा है यार। एक तो उस्ताद जी ने खुद ही पिचकारी छोड़ी थी अभी मसाज पार्लर में, और ये साला ये सेक्सी सो बोल के अंदर गए भैया। अंदर का मैं आपको अनुभव आपसे के साथ शेयर करना चाहूँगा। सुनना चाहेंगे आप? चलिए सुनाता हूँ। भाई साहब, जैसे मैं गया तो सबसे पहले मुझे बियर लेना पड़ा, तो 89 भात मतलब कि 180 भारतीय मुद्रा मैंने एक चांग का वो छोटा सा बियर लिया। बियर लेते ही भैया जैसे मैं बैठा वहाँ पे लौंडिया आ गई भाई अधनग्न अवस्थ में। अधनग्न का मतलब पूरा ही नग्न थी वो, पूरा एकदम उसके दुद्दू खुले हुए थे और बस एक लाइन थी बस वहाँ, बस वो सामान वाले उसके जगह पे बस लाइन थी, और वो लाइन के और मेरे गांड में क्यों नहीं कर रहा रंजो, और वो लाइन भाई वो जैसे ही आ गई वो बैठ गई गोदी में, बोलती है यू वांट ड्रिंक मुझे लौड़ा लहसुन। भाई मैं तो समझ गया, मैंने बोला नो, मैं उससे पीछे छुड़ाया, फिर जाके कोने में हुआ। भैया ऐसा शो हो रहा है दिमाग जल जाएगा, मतलब बंदिया खूब मतलब अधनग्न अवस्था में अपना दुद्दू ऐसे पिछवाड़ ऐसे हिला रही है और सब कुछ पूरा खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस छेदा पे और पीछे के छेदा पे बस एक पतली सी तार जैसी पट्टी है नाम के लिए, नहीं तो बाकी सब कुछ खुला खुला है। तो एक बार आइए आप देखिए और अनुभव कीजिए, मेरा काम है आपको बताना, मैंने बता दिया ठीक है। फुकेत का बंगला वॉकिंग स्ट्रीट है। इतने में भैया क्या हुआ कि मैंने बोला भाई जल्दी ये अपना चांग बियर फिनिश करो और यहाँ से प्रस्थान कर लो, बस फिर मैं निकल गया। हर तरफ एक से एक चट्टी एकदम पूरी दिख रही है, चट्टी सा होंगे एकदम चट्टी लग जा रही है। हाय चाची को देखो, चाची को रे मैया रे मैया रे मैया रे भाई।
थाईलैंड में फेमस हो गया तुम्हारा भाई, आप लोगों को फेमस हो गया दैट। ये देखो इनका देखो, अरे बाप रे बाप, हर जगह चौदम चांदी बचा पड़ा हुआ है। ये देखो इधर की ओर स्ट्रीट फूड मार्केट है, और ये भाई साहब पीछे माल लेके जा रहे हैं, और हम भी आगे की ओर चलते हैं। गुजमाल राजा जी बन जाए जतरा, ओके बाय गुड नाइट। आगे है सुलेम्बर पार्टी, हॉस्टल पहुंचने वाले हैं, अब थोड़ा सो जाएंगे हम। वो जो अभी है पटांग सिटी होम टेल ट्रिक, तो यही कहानी है, यही ज़िंदगी है हमारी, देख लो ठीक ना झांसी। वो आगे सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल है, वहां जा रहे हैं अब, वहां पे अभी सो जाएंगे गाना पसार के, चार्ज लगा के कैमरे का, फिर सुबह उठते ही चले जाएंगे भाई ये टूरिस्ट पैलेस स्पॉट, ठीक है। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी कहानी है, वरना आँखों में सिर्फ पानी पानी है। गाढ़ मरा भुजिया खाओ चट्टी पहनो बजा राइट गुरु। ऐसी मतलब अच्छी अच्छी टी शर्टें मिल रही है एकदम प्योर वाइट एकदम।